चुके हैं और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली राजभवन पहुंच चुके हैं और परिवार के साथ में राजभवन पहुंचे देवेंद्र बबली। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल, राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंच चुके हैं, विधायक सुधीर सिंगला, विधायक सीमा त्रिखा और विधायक निर्मल रानी पहुंच चुके हैं। जेजेपी अध्यक्ष निशांत सिंह, जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला, विधायक रामकरण काला, राज्य मंत्री अनूप धानक भी पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली राजभवन पहुंच चुके हैं और परिवार के साथ देवेंद्र बबली राजभवन पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें आप हरियाणा राजभवन से देख रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद मनोहर मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। सीधी और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा राजभवन की, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी हरियाणा राजभवन से, राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा दिन हरियाणा के लिए आज। लाइव तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा राजभवन में अब से थोड़ी ही देर बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दो नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई, तमाम दिग्गज शपथ समारोह में अब पहुंच चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ समारोह शुरू होगा और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दो नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली, तो कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमल गुप्ता मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, हरियाणा राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा राजभवन में शपथ समारोह शुरू होने जा रहा है और तमाम तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं और तमाम दिग्गज शपथ समारोह में अब पहुंच चुके हैं। आपको बता दें बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, जहां मंत्री मूलचंद शर्मा और बनवारी लाल भी अब पहुंच चुके हैं, राज्य मंत्री संदीप सिंह भी राजभवन अब पहुंच चुके हैं। इस तरह एक एक कर तमाम दिग्गज हरियाणा राजभवन पहुंच चुके हैं और यहां पर दो नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमल गुप्ता, तो वहीं जननायक जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र बबली। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जनता टीवी पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण करेंगे मंत्री के तौर पर। तो बता दें आपको बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, हरियाणा राजभवन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की ओर से कमल गुप्ता मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, तो वहीं जेजेपी की ओर से देवेंद्र बबली मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं और तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दोनों ही विधायकों को मंत्री पद की शपथ ग्रहण कराएंगे। तो आपको बता दें बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, हरियाणा राजभवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम दिग्गज अब पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर और हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। बता दें आपको 14 मंत्री बनाने का प्रावधान है हरियाणा विधानसभा में, 90 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी 12 मंत्री हैं और अब दो मंत्रियों को और शामिल कर लिया जाए, तो इस तरह से 14 मंत्री अब हरियाणा विधानसभा में होने जा रहे हैं। दो नए मंत्री बता दें आपको आज शपथ लेंगे, देवेंद्र बबली जननायक जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमल गुप्ता। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीधा हरियाणा राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम दिग्गज अब पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। देवेंद्र बबली को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कमल गुप्ता को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो मनोहर मंत्रिमंडल में अब शामिल होने जा रहे हैं। तो गठबंधन सरकार का पहला विस्तार अब होने जा रहा है, दो नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जेजेपी के कोटे से देवेंद्र बबली और बीजेपी की ओर से कमल गुप्ता मनोहर मंत्रिमंडल में अब शामिल होने जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2019 में, अक्टूबर 2019 में सरकार का गठन हुआ था और अब बीजेपी जेजेपी सरकार का पहला विस्तार होने जा रहा है। हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, एक तरफ ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब राजभवन पहुंचे तमाम विधायक, इसमें आप देवेंद्र बबली को भी देख रहे हैं और
कमल गुप्ता जो बीजेपी की ओर से मंत्री बनाए जा रहे हैं उनको भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहे हैं लगातार, जहां अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जनता टीवी पर देख रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर राजभवन पहुंचे सभी विधायक, तो वहीं दूसरी तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि दोनों मंत्रियों को कैबिनेट रैंक दिया जाएगा। आपको बता दें, बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह से तमाम तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तकरीबन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तमाम दिग्गज भी अब शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं, ओवर टू यू पवन, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा राजभवन में तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ दोनों जो विधायक जो मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी कमल गुप्ता जो बीजेपी के हिसार से विधायक हैं और जेजेपी के टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली भी जो है वो शपथ समारोह के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके परिवार के लोग और उनके समर्थक जो है वो मौजूद है। और थोड़ी देर बाद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच पर होंगे और पद एवं गोपनीयता का जो मंत्रिमंडल के लिए जो शपथ समारोह है वो औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। और दोनों जो विधायक हैं, देवेंद्र बबली, कमल गुप्ता, उनको पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो दिलवाई जाएगी। इस वक्त हरियाणा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत जो कैबिनेट है वो 12 लोगों का था, लेकिन ये दो मंत्री नए बनने के बाद ये पूरा कोरम जो है वो हो जाएगा। 14 लोग हरियाणा में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री समेत हो सकते हैं। तो ये कोरम जो है वो आज थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर शपथ समारोह होने के बाद पूरा हो जाएगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हरियाणा राजभवन की तस्वीरें हैं। हरियाणा राजभवन से तमाम जो चेहरे हैं वो आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा राजभवन में तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी जो जिस जगह पर शपथ समारोह हो रहा है, हरियाणा राजभवन के अंदर ही जो परिसर है वहां पर अभी जो है वो राज्यपाल के साथ ही मुख्यमंत्री जो है वो मंच की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा राजभवन में आ चुके हैं। इसके अलावा जो है वो हरियाणा के जो मंत्री है, मौजूदा कैबिनेट में मंत्री है, जेपी दलाल है, बनवारी लाल है या फिर गोलचंद शर्मा है, ये पहुंच चुके हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह हैं या फिर जेजेपी के जो महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, ये तमाम जो जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो कई विधायक जो है वो भी शपथ समारोह में पहुंच चुके हैं। और अभी औपचारिक तौर पर ये शपथ समारोह थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा। हालांकि 4 बजे का वक्त तय था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा राजभवन में पहुंचे हैं। अभी मुख्यमंत्री जो है वो हरियाणा के राज्यपाल के साथ ही मंच जो शपथ समारोह के लिए जो मंच बना है वहां पर नजर आएंगे। तो थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर ये जो शपथ समारोह है ये शुरू होगा। जी पवन, आप क्या समझे कितना वक्त और लग सकता है ऑफिशियल तौर पर शपथ ग्रहण समारोह को शुरू होने में, क्योंकि हम तमाम दिग्गजों को देख रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों को देख रहे हैं इन तस्वीरों में। हालांकि अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अभी नहीं पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, कितना वक्त और लग सकता है अभी? देखिए, बहुत ज्यादा इस समारोह में कोई देरी होगी ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो हरियाणा राजभवन पहुंच चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ वे मौजूद हैं और अभी जो है वो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को मुख्यमंत्री जो है वो शपथ समारोह के लिए जो राजभवन में ही परिसर में जो मंच बनाया गया है उसकी तरफ लेकर आते हुए नजर आएंगे। यानी अगली जो 10 मिनट है उस 10 मिनट में ये पूरा जो शपथ समारोह है ये शुरू होता हुआ दिखेगा, औपचारिकताएं जो है वो शुरू होती हुई दिखेगी। तो अभी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तमाम जो इससे पहले हरियाणा के मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा के गृह सचिव समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो दोनों नए मंत्री बनने जा रहे हैं, कमल गुप्ता और
अब देवेंद्र बबली वो अपने परिवार के लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर सीएम हाउस पहुंचे हैं। जी पवन, जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले की उन तस्वीरों की बात करें जब देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, तो इस दौरान दोनों ने ही एक दूसरे का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। साफ तौर पर खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है, इन तस्वीरों के जरिए हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता पहुंचे थे, पहले कमल गुप्ता पहुंचे थे, थोड़ी देर बाद देवेंद्र बबली अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। जब देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता आपस में मिले तो दोनों ने ही एक दूसरे का जो है वो गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, एक दूसरे के गले मिले, बधाई एक दूसरे को। लेकिन इसके साथ साथ जो तमाम और जो परिवार के लोग हैं उनमें भी काफी खुशी है, उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। जो देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता के साथ उनके जो परिवार के जो लोग पहुंचे हैं उनमें भी काफी उत्साह और खुशी है। और इसके साथ साथ तमाम विधायक यहाँ बीजेपी के और जेजेपी के जो है वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ जो है वो बीजेपी के और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। और औपचारिक तौर पर शपथ समारोह अभी शुरू होने वाला है, अगले कुछ मिनटों में ये शपथ समारोह औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा और दोनों जो विधायक हैं उनको मंत्री पद की शपथ जो है वो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दिलवाएंगे। जी पवन, मंच पर किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ सिटिंग अरेंजमेंट किया गया, इसको लेकर मैं चाहूंगा कि आप और जानकारी दें। देखिए मंच की तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मंच के ऊपर चार जो चेयर हैं वो एक जैसे प्रोटोकॉल की है, यानी जो राज्यपाल का मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत चार जो चेयर है वो लगी हुई है। उसके बाद बाकी जो चार से पांच जो चेयर हैं वो अलग से जो है वो एक जैसी लगी है, यानी जो अधिकारी बैठेंगे या जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत चेयर जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा बाकी जो ठीक मंच है उसके ठीक सामने जो है वो मंच के जो बाईं तरफ है वहां पर राज्य मंत्री और विधायक जो है वो मौजूद रहेंगे, और साथ ही जो मंच का दाएं तरफ जो है वहां कैबिनेट मंत्री और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी हैं वो बैठे हैं। और इसके साथ साथ जो मंच के दाईं तरफ देवेंद्र बबली और जो कमल गुप्ता हैं उनके परिवार के जो लोग उनके साथ आए हैं उनके लिए भी बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है और शपथ समारोह थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर शुरू होने जा रहा है। जी पवन, मैं चाहूंगा एक बार और आप जानकारी दें कि कौन कौन से विधायक और कैबिनेट मंत्री अभी तक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो चुके हैं। देखिए शपथ समारोह में तमाम जो चेहरे पहुंचे हैं उसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल पहुंचे हैं, हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल पहुंचे हैं, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं, हरियाणा के जो राज्य मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव वो पहुंचे हैं, इसके साथ ही साथ कमलेश ढांडा पहुंची हैं, इसके अलावा जो संदीप सिंह है हरियाणा के खेल मंत्री वो पहुंचे हैं, इसके अलावा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है वो शपथ समारोह में शामिल हो चुके हैं। और इस दौरान जो नायक जनता पार्टी के जेजेपी के जो महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला वो पहुंचे हैं, जेजेपी के विधायक रामकरण काड़ा पहुंचे हैं, अमरजीत डाडा पहुंचे हैं, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह पहुंचे हैं, और तमाम जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं वो पहुंचे हुए हैं, मुख्य सचिव पहुंचे हुए हैं, डीजीपी पहुंचे हुए हैं और गृह सचिव पहुंचे हुए हैं, और कई पूर्व मंत्री पूर्व विधायक भी इस शपथ समारोह में पहुंच चुके हैं। जी पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से महत्वपूर्ण है देवेंद्र बबली कैबिनेट के मजरे, और हम तमाम तस्वीरों के जरिए भी, एक तरफ तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ ग्राफिक्स के जरिए देवेंद्र बबली को लेकर हम तमाम जानकारियां दे रहे हैं, किस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है और राजनीतिक करियर किस तरह से उनका आगे बढ़ता रहा है, और दूसरी तरफ उन तमाम तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं वो जिस तरह से कार्यक्रम स्थल की हैं, शपथ ग्रहण समारोह की हैं। रणजीत सिंह चौटाला को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वो अभी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो देवेंद्र बबली हैं उनका राजनीतिक करियर रहा है। और तो बता दें आपको ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, लगातार बीजेपी से कमल गुप्ता मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। राजभवन पहुंचे हैं देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता, दोनों ही विधायक मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। मूलचंद शर्मा, बनवारी लाल शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह को भी आपने इन तस्वीरों में देखा, वो भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। विधायक सुधीर सिंगला और सीमा त्रिखा भी पहुंची हुई हैं। तो बता दें आपको तमाम विधायक और तमाम मंत्री
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर। हालांकि अभी थोड़ा वक्त लग रहा है और अब से थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। जेजेपी की ओर से बात करें तो देवेंद्र बबली हैं जो मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शुरुआत से ही देवेंद्र बबली का नाम मंत्री पद की लिस्ट में शामिल रहा था। हालांकि कई मौकों पर ऐसे मौके भी आए जब इस बात को लेकर चर्चा तेज हुई कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, हालांकि हो नहीं पाया। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे मनोहर मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर, लेकिन अब मंत्रिमंडल पर विस्तार को लेकर तमाम कयास खत्म हो चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद हरियाणा मंत्रिमंडल मनोहर मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, जिस तरह से हम बात करें देवेंद्र बबली को लेकर, देवेंद्र बबली का नाम अक्सर सुर्खियों में आता रहा था कि जब जब इस तरह की चर्चाएं तेज हुई थी मनोहर मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है, गठबंधन सरकार का विस्तार होने जा रहा है, तब तब देवेंद्र बबली का नाम खुलकर सामने आता रहा था। कई मौके ऐसे थे जब देवेंद्र बबली की ओर से भी इस तरह के इशारे किए गए कि वो मंत्री पद जल्द ही हासिल कर लेंगे। क्या कुछ ऐसी वजहें रही देवेंद्र बबली को लेकर कि उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया और अब मंत्री बनाया जा रहा है? 2019 में गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का। उस वक्त ये चर्चा थी कि जो जेजेपी ने गठबंधन किया है उस गठबंधन में देवेंद्र बबली जो है वो प्रबल दावेदार है, वो मंत्री कैबिनेट में बनेंगे। लेकिन उस वक्त मंत्रिमंडल में केवल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री के तौर पर अनूप धानक, दो ही लोग जो है वो जेजेपी कोटे से थे। उसके बाद ये तय हो गया था कि जेजेपी को जो जो समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है, उसके तहत 3 जो मंत्री बनाए जाने का आश्वासन दिया गया था, उसमें एक पद जो है वो वैकेंट है और उस पद के ऊपर जब भी विस्तार होगा तो जेजेपी का दावा बना रहेगा। और इसी के चलते जेजेपी में सबसे जो मजबूत एक तरह से जो माने जाते रहे शुरू से ही, जब जब कयास चर्चाएं शुरू हुई तब देवेंद्र बबली जो है एक मजबूत दावेदार, एक प्रबल दावेदार जो है वो माने जाते रहे। और आज जब पहला विस्तार होने जा रहा है और देवेंद्र बबली का नाम तय हो चुका है तो ये साफ हो गया है कि देवेंद्र बबली जो है वो मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और उनकी जो चर्चाएं थी उन चर्चाओं पर एक तरह से देखिए, अभी मैं एक और जानकारी दे दूं, ये जो राष्ट्रीय गान की धुन है वो शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय गान की धुन के साथ ही आप अब तस्वीरों में देख रहे हैं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। तस्वीरों में आप देखिए, तस्वीरें देखिए, इस वक्त की राजभवन की तस्वीरें, ये हरियाणा के राजभवन की तस्वीरें जो हैं वो देखिए। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से उनका जो उनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की मंच की तस्वीरें, जनता टीवी पर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, ये आप तस्वीरें देख रही हैं, मंच की तस्वीरें, सीधा तस्वीरें मंच की। अब ये पद एवं गोपनीयता के लिए जो शपथ समारोह है मंत्रियों की, वो अब औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है। जी पवन, जिस तरह से हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तमाम दिग्गज पहुंच गए और अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और राज्यपाल शपथ समारोह में पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर तमाम जानकारियां दे रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शपथ समारोह में अब पहुंच चुके हैं और कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह अब शुरू होने जा रहा है। जिस तरह से इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं,
समारोह भी ऑफिशियल तौर पर शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर बाद राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर कमल गुप्ता को हरियाणा मंत्री परिषद में मंत्री नियुक्त किया है। अब मैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वह मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। हम अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञाम करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धाम निष्ठा च स्थाष्यामि अहम भारत प्रभुताम अखंडताम रक्षितामि अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण वा स्वकर्तव्याना सिद्धांत करणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहनम करिष्यामि तथा भयम पक्षपातम द्वेषम अनुरागम बिना सर्वान जनानु प्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायम करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञाम करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्री रूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तम मंत्रिणम संबधाधिकारिणम व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान व्यक्ति विशेषानु न सुशिच्यामि तथा स्वकर्तव्याना सम्यक निर्वहन करिष्यामि। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री देवेंद्र सिंह बबली को हरियाणा मंत्री परिषद में मंत्री नियुक्त किया है। अब मैं श्री देवेंद्र सिंह बबली जी से निवेदन करता हूं कि वे मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। हरियाणा मंत्रिमंडल में अब विस्तार हो चुका है और 12 मंत्रियों के बाद अब 14 मंत्री हरियाणा विधानसभा में अब हो चुके हैं मनोहर मंत्रिमंडल में। डॉक्टर कमल गुप्ता ने संस्कृत में शपथ ली, आपको बता दें हिंदी में शपथ ग्रहण की है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दोनों ही विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई और हरियाणा मंत्रिमंडल में अब विस्तार हो चुका है। दो मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार पूरा हो चुका है और अब कुल 14 मंत्री हो चुके हैं मनोहर मंत्रिमंडल में। दो मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। जेजेपी कोटे से एक और बीजेपी कोटे से एक विधायक मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली अब मंत्री मनोहर मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं और दोनों ही विधायकों को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, मनोहर मंत्रिमंडल में विस्तार हो चुका है। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था, हालांकि 4:15 बजे के करीब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कार्यक्रम में पहुंचे और देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।